आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंगू। दोस्तों बने रहेगा अपने इस चैनल फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आपके लिए लेटेस्ट जो प्रस्तुति लेके आए, जिसको प्रस्तुत किया न्यू दी ग्रेट नवयुवक संगीत पार्टी, ग्राम पोस्ट छतौनी, थाना नगराम, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। तो दोस्तों यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, बजाते रहेगा फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मुट्ठी की पहचान, खूनी लड़की उर्फ चीन का जादू घर। हाँ दोस्तों, आप लोग किस्सा दिखा जा रहा है। अंगूठी की पहचान, खूनी लड़की उर्फ चीन का जादू घर। अरे प्रेम से बैठा सजना, अरे प्रेम कर रखो प्रेम से बैठा सजना, अरे प्रेम कर रखो मेले। अरे प्रेम से बैठो मेरी माताओं बहनों, अरे प्रेम का देखो। अरे प्रेम से बैठो मेरी माता बहना, अरे प्रेम करो नर नारी। अरे श्रीमान राम नरेश्वर भबुआ रावत की पाल्टी, देखो सेवा करेगी तुम्हारी। तमाशा देखने वालों, अरे तमाशा देख कर जाना कुछ गलती, अगर हो जाए कुछ गलती हमें तुम माफ कर जाना। अगर हो हाँ साहब, हमारे किस्से की पहली सीन ये देखिए आप लोग सामने, ये दरबार लगा हुआ है। दरबार में कौन? महाराज अमरनाथ आते हैं, आकर के देखिए अपने द्वारपाल से, अपने नौकर से देखिए क्या बातचीत करते, क्या ना सामने महाराज आते हैं। हेलो, ये लीजिए हमारे सतीश भैया, ये पूरे लखनऊ की तरफ से 21 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हे महाराज, आपका यह गुलाम, आपका यह नौकर आपको करवत है। सदा सुखी रहो दरबारी। दरबारी महाराज से बताओ, हमारे इस थारा नगर में किसी भी शख्स को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? हे महाराज, तुम्हारी इस जनता में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है महाराज। दरबारी बन रहा है संगठन, क्या बन रहा है संगठन? या की मर्जी गैर की और अपनी मर्जी पे बसर करते या मर्जी गैर की। महाराज इस पूरे राज्य में चारों तरफ आप ही का नाम चलता है और किसी का नहीं महाराज। ऐसा होना चाहिए दरबारी। और एक बात बताओ, भाई भाई में सुलाई, भाई भाई में सुलाई, या कि समाई फूट है, दरबारी सच सच कहो।
तुम्हारी जनता तुम्हारा ही गुणगान गाती है, जनता में किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है महाराज। दरबारी बोले कहते हैं जिस राजा के हृदय में प्रजा के लिए मोह नहीं है वो राजा किसी काम का नहीं है। ये बात सही है महाराज। इसलिए मेरी चेतावनी है कि हमारे इस थाना नगर में किसी भी शख्स को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। ये बात सही है महाराज। द्वारपाल बोलिए महाराज। इसी वक्त तुम फोन लगाओ हमारे बहादुर सुपे सलार प्रताप सिंह और रणजीत सिंह को। हेलो हेलो प्रताप भैया। हाँ कौन बोला? अरे आपका गुलाम। क्या काम? कृपया करके जल्द से जल्द दरबार में आने। भाई अभी आइए आइए। दरबारी आपका यह साथी आपको करवा दे प्रणाम। ये बताओ दरबारी। बोलिए। अचानक मुझे महाराज ने राय दरबार में याद किया। पता नहीं क्या बात है, आप चल करके खुद ही पूछिएगा महाराज से। ठीक है बड़ा गए। अच्छी बात है। आइए दरबारी। बोले ऐसे में कभी राज दरबार आता था महाराज के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां नजर आती थी। ये बात सही है। और आज कमल जैसे चेहरे पर ये उदासी। ठीक है इनके हम शाही गुलाम है। ये बात सही है। इनकी हर परेशानी में शामिल होना हमारा परम कर्तव्य है। ये बात सही है। राजन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और सुने मेरी बात। और देख कर इस घड़ी आपकी देख कर आपकी क्या कहूं मैं जिगर पारा पारा हुआ मुख कमल पर उदासी है क्यों कर कहो कैसा सदमा जिगर पे। महाराज आपके चेहरे पर उदासी आखिर इसका कारण क्या है? सेनापति प्रताप सिंह तुम हमारे ही उदासी का कारण जानना चाहते हो जरूर बताऊंगा लेकिन अभी हमारे ही सीनियर सुपे सलार रणजीत सिंह को भी याद आने दो। ठीक है महाराज। अपने दिल की बात अवश्य बताओ। आपकी जैसी। हाँ हेलो हेलो रणजीत भैया। कौन? अरे आपका गुलाम। क्या काम? कृपया करके जैसे जल्द दरबार में आने कष्ट करें। ठीक है अभी आ रहा हूँ। आइए आइए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये शहीदों की जय हिंद बोली ये शहीदों की जय हिंद बोली ऐसी वैसी ये बोली नहीं है
प्रणाम करते हैं। जीते रहो दरबारी, कहो क्या हाल है? दोस्त जय हिंद। जय हिंद। और बताइए दोस्त, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई। चलो आज मुलाकात हो गई। क्यों, क्या हुआ अचानक? महाराज ने दरबार में क्यों याद किया? मैं भी आया राज दरबार में, और महाराज राज दरबार में उदास बैठे। क्या उदास? मैंने कारण पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मेरे दोनों सुपे सालार जब राज दरबार में एकत्रित होंगे तब मैं कारण बताऊंगा। ठीक है चलो हम चलकर पूछते हैं। आइए दोस्त। आज तक जब कभी दरबार में आता था हमारे महाराज जी का चेहरा कमल जी सा खिला होता था, लेकिन आज पता नहीं क्या बात थी, कमल जी सा चेहरा मुरझाया हुआ, चेहरे पर उदासी छाई हुई, बात क्या है? राजन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए राजन। सकता हूं कि हमारे दरबार में कोई इंसान है हमारी दर्द और पीड़ा को समझ सके। महाराजन बोलिए तो सही, आखिर बात क्या है? आपका चेहरा उदास, सिर पर उदासी छाई हुई, बात क्या है? हमारी उदासी का कारण जो है आप लोगों से जरूर बताएंगे। महाराजन फरमाइए क्या बात है? और सुना ध्यान तो कर जरा, ऐ सेना के का
मेरी तकदीर में एक बालक के बिना और सुना मेरा संसार था सच्चे राजन। लेकिन अफसोस की बात, बड़ी भाभी की गोद से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके बाद हमारी बड़ी भाभी और बड़े भैया का देहांत हो गया और उस छोटी सी मुन्नी का पालन पोषण का भार हमारे सर पे आ गया। ताज और राज उसी दिन से हमारे हाथ में आ गया। अफसोस की बात यह है कि ऊपर वाले ने हमें भी कोई पुत्र नहीं दिया, सिर्फ एक पुत्री दिया है। ये बात सच है राजन। एक पुत्री हमारे बड़े भाई साहब की है और एक पुत्री हम अपनी है। दोनों बच्चियों को मैं बहुत लाड प्यार से पालता हूं, लेकिन जब वो बात याद आती है कि हमारे ना रहने के बाद इस राज्य का वारिस कौन बनेगा, तब हमारा हृदय दर्द से कांप उठता है। राजन, बुरा ना माने तो एक बात कहें। क्या कहना चाहते हो राजन? इंसान इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, हर इंसान की किस्मत जुदा जुदा होती है। तो किसी की किस्मत में क्या लिखा है, किसी की किस्मत में क्या लिखा है, ब्रह्मा जी ने एक समान किसी को नहीं लिखा है। किसी को दुख, किसी को सुख। शायद आपकी किस्मत में केवल पुत्री ही दिया हो। सही कहते हो। लेकिन राजन, आप ये सोचते हैं कि हमारे ना रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? बस यही तो अफसोस रहता है सेनापति। राजन, ये क्यों भूलते हो, जब आप अपनी पुत्री अनार की शादी करोगे, जो दामाद होगा वो भी तो पुत्र के बराबर होगा। ये तो बिल्कुल सत्य है सेनापति। वो भी तो आपके पुत्र के बराबर होगा। तो हमारा दामाद होगा, वो हमारे पुत्र के समान होगा। तो उसी को अपने इस राज का उत्तराधिकारी मान लेना। सब बस मेरे वीरो, और इसमें चिंता की क्या बात है? चिंता तो यह रहती थी कि मेरे न रहने के बाद वारिस कौन होगा। वारिस वही होगा। लेकिन आप लोगों ने इतनी बड़ी धीरज बंधा दिया है कि अब हमारे दिल को संतुष्टि आ गई है। अब ऐसा ख्याल दिल में कभी ना ला रहा राजन। बहुत अच्छी बात है। मैं कभी भी ऐसा ख्याल आज से नहीं। अपनी पुत्री अनार को पुत्र के बराबर समझो। उसकी जब शादी होगी तो उसी का पति इस राज को संभालेगा। बहुत अच्छी बात है। ये तो रही अपने चिंता की बात। मेरे बहादुरों, ड्यूटी का समय हो रहा है। खा राजन। इसलिए सुपर सलार प्रताप सिंह, आपकी ड्यूटी सीमा बॉर्डर पे लगती है। ठीक है महाराज। आप अपनी सेना को सजाइए और सीमा सरहद पे जाइए और वफादारी के साथ ड्यूटी देना। कोई भी बागी अगर हमारे राज्य की तरफ घुसता है
तो उसका काम तमाम कर देना। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ सीमा सरहद पर और ड्यूटी ईमानदारी से करूंगा महाराज। अगर कोई दुश्मन सीमा पर हमला करने की कोशिश करता है तो मैं उस वक्त उसे मजा चखा दूंगा महाराज। तुम दोनों बहुत बहादुर सिपाही हो, इसलिए हमें पूरा विश्वास है तुम दोनों के होते हुए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है महाराज। इसलिए हम लोगों ने नमक आपका खाया है और आपकी जैसी है, इसलिए सेनापति प्रताप सिंह और सेनापति रणजीत सिंह एक बात और भी हमारी अपने भेजे में बिठा लो। वो कौन सी बात है महाराज? बात है, कहते हैं कि मोहब्बत का कभी बाजार में सौदा नहीं होता और सोना आग में तप कर कभी गंदा नहीं होता। नहीं महाराज, उसी तरह बहादुर हर घरों में, तुम जैसे बहादुर हर घरों में जल्द तर पैदा नहीं होता और धीर धारी शहीदों का कफन मैला नहीं होता। इसलिए मेरे बहादुरों, मेरा कहना है कि काम वो करना कभी तुम्हारी शान में बट्टा न लगे। महाराज ये वर्दी जिस दिन से हम लोगों ने अपने शरीर में धारण किया है उसी दिन से हम लोगों ने भारत माँ की कसम खाई है कि भारत माँ की रक्षा करेंगे, अन्यथा अपने प्राण त्याग देंगे। बहुत अच्छे, अब जाओ अपना लक्ष्य सजाओ और सीमा सरहद की तैयारी करो। और जाओ प्रताप सिंह, सीमा सीमा बॉर्डर पे खूब होशियारी के साथ ड्यूटी करना। ठीक है दोस्त। ये कहाँ जा रहे हैं? बदरे पे जा रहे हैं? सारे चित का बना का क्या बोला? ददू कहता हो कि तुम बदरे पे जा रहे हो? बदरे पे नहीं, अबे साले सीमा बॉर्डर पे, सीमा बॉर्डर सरहद पे। का कहो सरहद खिया जा रहे हो? और कहा जा रहे हो साले बनभूषण, साले मुर्दा घाट के कफन चोर, मक्खन चोर बांसुरी वाले। सीमा बॉर्डर पे जा रहे हैं ड्यूटी करने। सीमा बॉर्डर पे जानता नहीं क्या? नहीं जानता है, नहीं जानता है। सीमा बॉर्डर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कभी सुना है? कब हम देखे रहन हुई जन्म महीने अगले जन्म में। हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान है, अगले जन्म में देखा। चलो अगले जन्म में जो तुम्हारी बहनी हम हमारे बे ही रही है। ठीक है दोस्त, इसकी बात को बुरा नहीं माना, चलिए ड्यूटी बजाइए आप। इसे समझा लेना, जो आपके पास तैनिक कम हो तो हमारी सेना से ले लीजिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद। जय हिंद। भैया तुम हमका बहुत नीक लागत है, तुम हमका बहुत निकल, यह सार हमका बेपसंद है। बात का ही खींचे काढ़ा तो दांत पहले निकाल देती। और क्या दांत बाद में निकाले जाते क्या खींचे काढ़ने पहले? हाँ मगर यह बात सही, जब खींचे काढ़े तो दांत बाहर निकलवा करी। बात वही कहेगा लेकिन उस दांत लगाता है। भैया यहाँ आओ, वही हमका दिन हम उठा के तुमका दे दी ना, हमका हिला दे ला दे फिर। अरे एक झापड़ वही हमका दे दी तो हम उठा के तुमका हम दे दी ना। हमका हिला दे, दोबारा अगर हाथ उठाना तो इतनी गोली मारूंगा कि सोच लो फिर दोबारा ड्यूटी करने लायक नहीं रह जाओगे।
अच्छा बजा है। ठीक है ये घड़ी पीछे करो। ऐ देखो बोलिए भैया, प्रताप सिंह ड्यूटी करने बॉर्डर पे गए हैं और हमारी माता जी का तार आया हुआ है। यानी माता जी का तार आया हुआ है। हाँ, माँ से मिलने के लिए जाना है तो फिर महाराज से एक हफ्ते के लिए छुट्टी मांगना है। यानी छुट्टी मांगोगे? हाँ आइए चल कर देखते हैं। राजन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन हमारी माता जी का संदेश आया हुआ है अचानक, मुझे तत्काल माता जी ने बुलाया है और राजन मुझे एक हफ्ते के लिए छुट्टी चाहिए। सेनापति रणधीर सिंह, जैसा कि तुम देख रहे हो कि तुम्हारे हिसाब में सेनापति प्रताप सिंह